व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अदर रिएक्शन वीडियो। मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी का एक कॉमेडी सीन लेके आया आप लोग के लिए, और इस मूवी की जो स्टार कास्ट थी बहुत ही गई थी, बोमन ईरानी, संजय दत्त, अर्चन वर्थ, बहुत मजा आने वाला है। और तो साथ में एंजॉय करेंगे। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, फ्रॉम द चैनल अल्ट्रा बॉलीवुड। बाकी और मूवी सीन्स भी आप सजेस्ट कर सकते हो कि इन पर प्रेशर। एक चीज़ है भाई, वीडियो स्टार्टिंग में लाइक कर दिया करो ताकि और लोगों तक पहुंच सके, और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना और कर दे शुरू। यस, रेडी, 1 2 3 गो। भाई तुमको ये हॉस्टल विस्टल में रहने की क्या जरूरत है? ए भाई साहब, ये 12 नंबर किधर है? ये रहा। अरे तेरी भाई, ये रूम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। तेरे को मालूम है भगवान ने अपन को ये एज कॉलेज में काय को भेजा है? भगवान ने अपने को तो नहीं बताया। भगवान बोला अच्छा, सही बोला। तेरे बाबूजी को जिसने रुलाया ना, उससे हिसाब चुकता करने का। सही है भाई, सही भाई। अरे भगवान के साथ तुम्हारा डिस्कशन हो गया ना, कल आ चले सामान ला। ये सही है भाई, तो डिस्कशन हो गया ना कल। ये दीवार को खसका के ये बाजू का कमरा अंदर ले लेते, अपना एरिया बढ़ जाता। और ये टीवी पीछे रख टेबल पे। और भाई ये ना, ये दीवार तोड़ डालते अपन, तोड़ सामान हटा के ना, इसको बाथरूम में आते एकदम बाथटब बिटल सड़े। बहुत ही सही कैरेक्टर था सर्किट वाला, तो दारू एसी सब कुछ, खिड़की में लगाने का एसी, खिड़की में लगाने का एसी क्या, फ्रिज, फ्रिजदार, एक्सक्यूज मी भाई, अपने कमरे को देख चकाचक बना डालेगा, सब कुछ उठा ले। एक्सक्यूज मी बाप, क्या कहां पे रहेंगे? फ्रिज में, इधर सोऊंगा मैं, फड़े ले कब ए सर्किट। एक टेंशन नहीं लेने का, ये चिटकुट इधर आ, बैठ। क्या नाम है तेरा? नागराजन स्वामी। देख स्वामी, आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस सब कुछ अपना समझ, मेरे अंडरवेयर को छोड़ के। ये सही था, रैगिंग चल रही थी ना। ये बहुत तगड़ा। इसकी रैगिंग के लिए था ना, रैगिंग के लिए। डॉक्टर महेश कृपलानी, उतारे ना कपड़े, इसको रैगिंग बोलते क्या? डॉक्टर अनिल डावडा, मस्त है यार, मैं भी करूँ क्या? डॉक्टर एक मिनट अपुन को भी करने का है। ये देख आप कराओ ना। और क्या करूं? बस ये डिस्पेंसरी क्या नाटक है रे? भाई ने बोला रैगिंग करने का तो करने, रैगिंग करने का करने का। चल ये स्वामी, तू करना इनकी रैगिंग, अपुन को देखने का। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। तो ठीक है चल, ये इनको नचवाया था, सारा वही उल्टा कर दिया था, सबको नचवाया था यहाँ पर सीनियर से ना इसके। वो देख कितने खुश हो रहे सारे, ये कॉपीराइट के उसे म्यूजिक वो किया हुआ है ना, अभी म्यूट। मस्त है एकदम, ये तो बहुत ही गजब था सीन, ये बहुत ही गजब सीन था। ये जो इरिटेट करता है ना इसको, है ना, फ्लेक्स। नाउ अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज मोमेंट्स यू कैन वेव आउट टू समबडी लाइक दैट, ओके? नाउ द 8 बोन्स इन द रिस्ट आर, ये ले चना का। अरे खाना कैल्शियम है, हड्डी के लिए मस्त है। प्लीज मुझे पढ़ने दीजिए, लाइफ में पहली बार मैं सेकंड आया हूं। अरे अपुन फर्स्ट आया काय, बोल चना खा के, ये ले चना खा के। आर वी क्लियर सो फार? एनी क्वेश्चंस? Yes. ले भाई साहब क्वेश्चन। Yes, Mr. Sharma. अपुन ने कल तेरे को एक सवाल पूछा, उसका जवाब तूने नहीं दिया। Please sit down. अरे बोलना यार। चले भाई। आदमी अगर मरता रहेगा तो वो साला फॉर्म कैसे भरेगा? और फॉर्म भरते भरते अगर मर गया तो फॉल्ट किसका है? प्लीज गेट आउट। गेट आउट बोले तो? गेट आउट। अरे काय को गेट आउट? टॉप किए लाए, तेरे को फीस भी दिए लाए, अपुन नहीं जाएगा? All right, fine. अगर ये आदमी अभी इस क्लास से बाहर नहीं गया तो इस साल एनाटॉमी का एक भी लेक्चर नहीं होगा। ठीक है अपुन जाता है, तू सिखा इनको।
अरे दूसरे का नुकसान काय को करेगा। ए स्वामी तू समझ के अपुन को सिखा देना। ये ठीक है चला दे। टेंशन काय को लेता है, ये ले चना। जिगो पकड़ा बस ताई वाला। अरे भैया मौज करा दे। सर सर व्हाट इज द प्रोसीजर टू चेंज द रूम प्लीज। यू प्लीज सिट डाउन। उसको डांट पड़ेगी। मैंने फैसला कर लिया है, मैं कॉल करने वाला हूँ दुबई। दुबई किसे? अब्बास भाई को। वो मुन्ना को कहाँ गायब कर देगा ना, किसी को पता भी नहीं चलेगा। डैड व्हाट आर यू सेइंग? कौन अब्बास भाई? मेरे पेशेंट थे, दुबई से हर्निया का ऑपरेशन करवाने थे। यू नो व्हाट ही सेड टू मी? इज अ रस्ताना भाई, ये हर्निया मुझ पे उधार रहा, अगर लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो अब्बास भाई को याद करना। दीज आर मैन ऑफ ऑनर, दीज आर मैन ऑफ ऑनर। मैन ऑफ ऑनर डैड। डैड आपको ऐसी बातें बिल्कुल सूट नहीं करती। या आई नो। हेलो हेलो चिंकी, मुन्ना बोल रहा है। वो तेरा डॉक्टर सुबन से बात हुआ कि नहीं? अरे वो तेरी फ्रेंड है ना डॉक्टर सुबन, अपुन की भी फ्रेंड है, अपुन ने मैसेज भेजा था उसके साथ, बात हुई कि नहीं? कौन सी बात? अरे अपने बाप को झप्पी देने के लिए। मामू का मूड कुछ सुधरा कि नहीं? मामू ये कौन है मामू? मुन्ना क्या बात है? अपुन वापस टॉप किया, ये साला टॉप करने की आदत हो गई अपुन। क्या चल रहा है, क्यों तंग कर रहे हो? बोले तो तूने बोला था ना सुमन को कि अगर अपुन पास हो गया तो तू अपुन से मिलेगी। नहीं नहीं मैं तुमसे नहीं मिल सकती। ए चिंकी बिल्कुल नहीं मिल सकती, तूने प्रॉमिस किया था ना। अच्छा प्रॉमिस किया था। कल मिलते हैं क्लब किनो में 10 o'clock। ओके माय ओन डॉटर, मिलने जाओगी इसे? माय ओन डॉटर आज के बाद मुन्ना हमें कभी तंग नहीं करेगा। ओके ट्रस्ट मी डैड। भाई भाभी को पहचानेगा कैसे? अरे बचपन की फ्रेंड है, पहचान लेगा। बचपन की फ्रेंड है, पहचान लेगा। हवा में क्या हवा में? ये नहीं है ना वो? मुन्ना माय बेबी, सो स्वीट। वाओ यू लुकिंग सो गुड। हे मुझे पहचाना नहीं? तुम्हारे बचपन की दोस्त। बचपन की दोस्त झूठ बोल रहा है ना इससे? शौक सा लग गया ना इस टाइम पर। अगली बार में कह रहा भाई चल यहाँ से, ये गलत जगह आ रहे हो। अरे मेरे को कॉल किया जा रहा है? चिंकी ने चौंधा मार दिया। हे डूड मैन, कौन था? एंडी मेरा बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड बोले तो? बॉयफ्रेंड बोले तो बॉयफ्रेंड, क्यों तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? ओह सो स्वीट। देख बेटा लाइफ इज वेरी शॉर्ट सो यू हैव टू हैव फन। सैटरडे को क्या कर रहे हैं? एंडी इज गोइंग टू न्यूयॉर्क सो लेट्स मीट। सर्किट कंफ्यूज है, अलग ही डांस चल रहा है। बोले तो सिर्फ मैं और तू। चिंकी तू बहुत चेंज हो गई लिए रे। बहुत चेंज चले चले। ये उसकी दोस्त होती है ना जानबूझ के उसने कई सारे इस क्लिप में बहुत सारे सीन देखने को मिल गए हमें। हाँ।
जैसे स्टार्टिंग होता है वहां से रूम में एंट्री से जो सर्किट कैरेक्टर था ना वो तो लोगों ने भी ऐसे बोलना शुरू कर दिया था बिड़ू क्या बात बहुत ही गजब की कॉमेडी टाइमिंग थी और जो इसमें जो एक्टिंग करी चाहे बोमन ईरानी हो चाहे संजय दत्त हो चाहे अरशद वारसी ने अपने कैरेक्टर बखूबी निभाया है इसके अंदर कॉमेडी टाइमिंग और जादू की झप्पी है ना वो सीन बहुत हो रहा है लास्ट में चाहे जैसे वो पोछा मारते उनको देते जादू की झप्पी देते ना उनको कहते रहेंगे यार अभी पोछा मारा अभी तो पैर रख के चला गया वहां पर फिर जब भी देते उनको थैंक यू बोलने का वो चीज बहुत ही प्यारी थी बहुत प्यारी मतलब फनी भी थी और मैसेज भी था इसमें लास्ट में जो पूरा था ना जो पूरा बताया था स्टडी वगैरह हर चीज का कि बिल्कुल पेशेंट के लिए माहौल थोड़ा ऐसा डिप्रेसिंग सा हो जाता है तो वो ऐसे नहीं रह पाते फिर आपका इसमें फेवरेट मूवमेंट कौन सा है इस मूवी का जरूर कमेंट कर बताना अगर आप चाहते हो कि और सीन्स पे भी हम रिएक्ट करें इस मूवी के तो बता सकते हो अगर समझ भाई का ये दीवार तोड़ के ना बाज वाला बाल कमरे अंदर ले लेते फ्रिज व्रिज सब ले आए भाई साहब कह रहे थे पानी वाली बिना कहते हां उसे अंडरवेयर छोड़ के सब कुछ इस्तेमाल कर रहा है ये ले चने खा दिमाग शांत रहे चने लेकिन और वो माय ओन डॉटर चिंकी ने तो क्लब में 14 से मरवा दिया कह रहा भैया इसको मार के आऊंगा कैसा नाच रहा है दुखे एक्टर चन सच में बड़ा मजा आ गया यार और ये जो सीरीज है ना बहुत गजब है हाँ। कोई कहता है कि और भी आएगी ऐसे मुन्ना भाई वाला दो वो तो आए थे कोई कहता है और भी आएगी गांधी वाले भी अच्छे थे गांधी जी थे इसके अंदर गांधी दिखते थे इसको तो उसमें वो वाला डायलॉग मस्त था ना जब ने सामने वाला जब दोनों गालों पे मार रहे फिर क्या करना है ये गांधी जी ने नहीं बताया लेकिन वो बात अच्छी करी थी कि अगर एक पेशेंट अगर वो ऐसी हालत में है तो वो फॉर्म कैसे भरेगा फॉर्म भरते भरते अगर उसकी जांच मैं वही बोल रही थी कि बहुत ही फनी उस वे में ना बहुत सारी चीजें बहुत सारे मैसेजेस होते हैं इस मूवी में और प्लस ये बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर्स हैं देखा ना चाहे रोमांटिक मूवी हो या कॉमेडी हो चाहे वो था मतलब जुलाई और अरे वो कौन सी थी फाइट सीन जैसे होता है नहीं 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 अरे 56 किलो वो मेरे को मस्त लगती है वो नहीं ऑल द बेस्ट उससे भी करेंगे रिएक्ट है वो बढ़िया थी भाई मूवी ऑल द बेस्ट मूवी थी ना अजय देवगन भी था उसी में तो मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ बाय टेक केयर।